हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एरा वर्ड के यूट्यूब चैनल पे। आज हम अपनी इतिहास की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए वैदिक काल के बारे में चर्चा करेंगे। वैदिक काल, अगर वैदिक काल के बारे में देखें तो वैदिक काल का जो समय टाइम था वह था 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चलता रहा। 600 ईसा पूर्व तक चलता रहा वैदिक काल 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक संचालित होता रहा। और जो यह दो चरणों में संचालित हुआ, पहला ऋग्वैदिक चरण और दूसरा उत्तर वैदिक का चरण। जो ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड था वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक चलता रहा, और जो उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड था वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चलता रहा। सबसे पहले हम ये जान लें कि जो ऋग्वैदिक काल था उसकी जानकारी का जो स्रोत था वो केवल मात्र ऋग्वैदिक था, इसीलिए इस पूरे चरण को ऋग्वैदिक चरण कहते हैं। जो उत्तर वैदिक काल था उसमें जो जानकारी के स्रोत थे वो अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद तीनों वेद थे, इसलिए ये उत्तर वैदिक में जो हमारी जानकारी के स्रोत थे वो अधिक थे। उसके बाद देखते हैं कि जो आर्य प्रारंभ में आए वो किन क्षेत्रों पर, यानी उनका भौतिक विस्तार कितना था। तो सबसे पहले जो आर्य थे वो सप्त सिंधु के रूप में जाने जाने वाली, यानी सप्त जाने वाली भूमि में रहते थे। अब सप्त सिंधु प्रदेश क्या था, तो यह सात नदियों की भूमि, सात नदियों के नाम पर इसका नाम सप्त सिंधु प्रदेश पड़ गया था। वो सात नदियाँ कौन सी थी, तो सिंधु, विपाशा यानी कि व्यास, वितिस्ता यानी झेलम, पुरुषनी यानी रावी, अस्किनो यानी चिनाब, सुतुद्री यानी सतलज और सरस्वती। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि विपाशा किस नदी का नाम था, तो विपाशा व्यास नदी का था, वितिस्ता झेलम नदी का नाम था, पुरुषणी कौन सी नदी थी, तो रावी थी, अस्किनो चिनाब को कहते थे, सुतुद्री सतलज को, और सरस्वती नदी थी। ये सातों नदियों के क्षेत्र जो हुआ करते थे उन्हें सप्त सिंधु क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। बाद में आर्य आगे आग और लोहे के औजारों की मदद से, मतलब वो आग का प्रयोग करते थे, आग से जंगलों को जलाकर आगे बढ़ जाते थे, और लोहे के औजारों से उन्हें खुदाई करना आसान होता था, इसलिए कहा जाता है कि आग और लोहे के औजारों की मदद से वो पूर्वी क्षेत्रों बंगाल तक चले गए थे। ऐसे कुरु पांचाल क्षेत्र यानी इंडो गंगा विभाजन और ऊपरी गंगा घाटी का क्षेत्र था, जहाँ पर बाद में हमें वैदिक आर्यों के नजर आए थे। सतपत ब्राह्मण में अग्नि देवता की सहायता से गंडक नदी के पूर्व में चले गए, ऐसा भी बताया गया। अर्थात हमें सतपत ब्राह्मण में ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि अग्नि की सहायता से जो आर्य थे वो गंडक नदी के पूर्व तक पहुंच गए थे। यह सूचना हमें बताती है कि वैदिक काल का विस्तार कहाँ तक हो गया था। अब इसमें प्रश्नों के जो पूछे जाने की परंपरा रही है वो देखा जाता है कि उत्तर वैदिक काल से ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार से व्यवस्था में परिवर्तन आया, उसी को ध्यान में रख के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना, आर्थिक संरचना और धर्म किस प्रकार से परिवर्तित होते रहे, देखते हैं। तो जो राजनीतिक संरचना थी वो प्रारंभिक, मतलब वैदिक काल में सरकार के मुखिया थे उसे राजन के नाम से जाना जाता था। राजनीतिक जो व्यवस्था थी वो वैदिक काल में सहज थी, उसमें सरकार का जो मुखिया था वो राजन होता था। ऋग्वैदिक काल में सबसे बड़ी जो राजनीतिक इकाई और प्रशासनिक इकाई होती थी वो जन कहलाती थी, और राजनीतिक संगठन की जो मूल इकाई थी उसे कुल कहा जाता था। कई परिवारों को मिलाकर ग्राम कहते थे, कई परिवार जो होते थे वो ग्राम कहलाते थे, और ग्रामों का जो नेता होता था वो ग्रामीण कहा जाता था। गांवों के समूह को विशु के नाम से जाना जाता था, और उसका जो नेतृत्व करता था वो विषयपति कहते थे, और विषयपति होता था। अर्थात हमने देखा कि जो गांव कुल होता था वो परिवारों का मूल इकाई होती थी, और कुल यानी परिवारों के समूह को गांव कहते थे, और गांवों का जो समूह होता था वो विशु के नाम से जाना जाता था। जनजाति सभाओं में को सभा और समिति के रूप में जाना जाता था, यानी कि ऋग्वैदिक काल जो होता था उसमें सभा और समिति नामक जो संस्थाएं काम करती थी वह जनजाति परंपरा से संचालित होती थी, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों की भागीदारी होती थी। कुछ आदिवासी राज्यों की भी चर्चा हमें ऋग्वैदिक काल में मिलती है, जिसमें महत्वपूर्ण है भरत, मत्स्य, यदु और पुरु।
इस प्रकार जो राजनीतिक व्यवस्था वैदिक काल में थी वह सहज और सरल थी। अगर उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं तो जो यहाँ पर सरकार का जो स्वरूप था वो महाजनपद या राष्ट्र के नाम से जाना जाने लगा। जहाँ यहाँ पर राजन के नाम से ऋग्वैदिक काल में जानते थे, वहीं उत्तर वैदिक काल में हम इसे राष्ट्र के नाम से जानने लगे थे। जो राजा की शक्ति थी वह कुछ बढ़ गई थी और अपनी स्थिति के लिए राजा की शक्ति बढ़ गई थी और उसने अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए राजसूय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ जैसे विभिन्न अनुष्ठानों और बलिदानों को करने के लिए मजबूर किया गया था। अर्थात अब राजा को अपनी शक्ति की भव्यता दिखाने के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञ करने होते थे। राजाओं की जो उपाधियां हुआ करती थी वो भव्य रखी जाती थी, जैसे राज विश्व जानन, उसके बाद अहिल लुभवन पति और एकराट और सम्राट जैसी उपाधियां धारण करके राजा की जो स्थिति होती थी उसे भव्य बनाया जाता था। समिति और सभा नामक जो संस्थाएं होती थी उन्हें अब कम शक्तियां दी गई थी। अर्थात जो वैदिक काल में सभा और समिति विशिष्ट स्थान रखती थी उनकी शक्तियां उत्तर वैदिक काल आते आते कम हो गई थी। अगर सामाजिक व्यवस्था पर नज़र डाली जाए तो जो सामाजिक व्यवस्था थी वो ऋग्वैदिक काल में कुछ सहज और सरल हुआ करती थी। महिलाओं ने सम्मानजनक पदों पर कब्जा कर लिया था, उन्हें सभा और समितियों में भाग लेने की अनुमति हुआ करती थी। अपाला, लोपा मुद्रा, विश्ववर और घोषा जैसी महिलाएं और कवियां थीं जिनको सम्मानजनक स्थिति ऋग्वैदिक काल में प्राप्त था। अगर उत्तर वैदिक काल की बात की जाए तो उत्तर वैदिक काल में यह स्थिति में थोड़ी गिरावट आई थी। गाय ऋग्वैदिक काल में एक महत्वपूर्ण स्थान था जिसे अघन्या कह के यानी जिसे मारा नहीं जा सकता इस नाम से संबोधित सब किया जाता था। बहुविवाह का भी प्रचलन था लेकिन बहुविवाह शाही और कुलीन परिवारों में मौजूद थी, ये जबरदस्ती नहीं की जाती थी। बाल विवाह की प्रथा नहीं थी, मतलब जो ऋग्वैदिक काल थी बाल विवाह की प्रथा वहाँ पर नहीं मौजूद थी। सामाजिक भेद मौजूद थे लेकिन उनका सख्ती से या वंशानुगत रूप से पालन नहीं किया जाता था। अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के कर्तव्य तो थे लेकिन उसे बहुत कठोरता के साथ अनुसरण नहीं किया जाता था। लोगों को आगे बढ़ने के अवसर ऋग्वैदिक काल में थे लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते इस स्थिति में परिवर्तन होता है। वर्ण व्यवस्था महत्वपूर्ण हो गई, अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की जो व्यवस्था लचीले तौर पर चली आ रही थी उत्तर वैदिक काल आते आते इसमें परिवर्तन देखा गया और इसमें चार विभागों में विभाजित कर दिया गया जो था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। अब यह जो व्यवस्था थी इसे वंशानुगत रूप में संचालित किया जाने लगा, अर्थात ब्राह्मण के जो कार्य थे वो ब्राह्मण ही करेगा और क्षत्रिय के जो काम थे उसे क्षत्रिय करेगा और शूद्र थे उन्हें ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करने का ही कार्य दिया गया था। ब्राह्मण और क्षत्रिय उच्च पद पर होते थे और उच्च पद पर और विभिन्न उपजातियां व्यवसाय के आधार पर विभाजित थी। मतलब कोई ब्राह्मण होता था तो उसे अध्यापन का कार्य करना होता था, जो क्षत्रिय थे उन्हें युद्ध का कार्य करना होता था, व्यापार का कार्य वैश्यों को दिया गया था और शूद्रों को कार्य ऊपर के इन तीन वर्णों की सेवा करना निर्धारित किया गया था। विभिन्न महिलाओं को पुरुषों के हीन और अधीनस्थ माना गया, अर्थात उत्तर वैदिक काल आते आते महिलाओं की स्थिति में अत्यंत गिरावट आती है, उन्हें पुरुषों के अधीन किया गया और सभाओं में भाग लेने की उनकी राजनीतिक स्थिति भी धीरे धीरे समाप्त होती गई और समाज में बाल विवाह एक आम प्रथा के रूप में उभर कर सामने आया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में आते आते जो महिलाओं की स्थिति थी उसमें पतन के प्रमाण देखे गए। इसी प्रकार अगर हम अर्थव्यवस्था पर नज़र डालें तो जो प्रारंभिक वैदिक काल था उसमें आम तौर पर चरवाहे और पशुपालन करने वाले लोग होते थे, यानी चरवाहा व्यवस्था और पशुपालन की व्यवस्था देखी गई। इनका पेशा कृषि भी था, कृषि भी आमतौर पर प्रचलित थी। बढ़ई ने रथ और हल बनाए, मतलब बढ़ई गिरी मौजूद थी जिसमें रथ और हल बनाए जाते थे। श्रमिकों द्वारा तांबे, कांसे और लोहे से बड़ी संख्या में लेख बनाए गए थे। इसके साथ ही सूती ऊनी कपड़े बनाने और कताई की जाती थी। सुनार ने आभूषण तैयार किए और कुम्हार घरेलू उपयोग के लिए तरह तरह के बर्तन बनाते थे। व्यापार पहले वस्तु विनिमय प्रणाली यानी वस्तु देकर ही वस्तु लिए जाते थे लेकिन बाद में ये बड़े लेन देन के लिए निष्क नामक सोने के सिक्के, ये भी पूछा गया था कि निष्क क्या था, तो निष्क एक सोने के सिक्का था जिसे वस्तु विनिमय के स्थान पर मुद्रा के रूप में लिया जाता था। और परिवहन
परिवहन नदियों के माध्यम से होता था, यानी परिवहन की जो मेन प्रणाली थी वो नदियों के माध्यम से ही हुआ करती थी। अगर उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था पर नजर डालें तो यह धीरे धीरे परिवर्तित होने लगी। वनों को साफ करके भूमि में खेती के लिए उपचारिता किया गया, अर्थात अब जो चरवाही और पशुपालन व्यवस्था थी उससे कई गुना अधिक कृषि व्यवस्था देखी गई थी। जौ चावल गेहूं उगाने के लिए कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय बन गया था। औद्योगिक गतिविधियों में धातु का काम, चमड़े का काम, बढ़ई गिरी और मिट्टी के जो बर्तन की उन्नत महत्वपूर्ण हो गई थी। मतलब यह व्यवस्था देखी गई कि चमड़े का काम, बढ़ई गिरी और मिट्टी के जो बर्तन थे वो अधिक उन्नति के रूप में बनाए जाने थे। आंतरिक व्यापार और विदेशी व्यापार, समुद्र के रास्ते बाबुल भी व्यापक हो गया था। मतलब जो व्यापार होते थे वो आंतरिक और बाह्य दोनों स्तर पर देखे गए थे। वंशानुगत व्यापारियों वानियों ने एक अलग अलग वर्ग बन गया था। मतलब जो व्यापारी वर्ग थे उन्हें वनिया कह के पुकारा जाता था, यह अलग वर्ग के रूप में संबोधित किया जाता था। व्यापार और वाणिज्य में शामिल वैश्यों ने खुद को गढ़ संघ के रूप में गढ़ नामक संघों में संगठित किया गया था। सोने के सिक्के जैसे शतामन निष्क के अलावा, मतलब पहले जो निष्क होता था अब शतामन नामक भी सिक्के, सोने के सिक्के चले, और कृष्णला जैसे चांदी के सिक्के विनिमय माध्यम के रूप में उपयोग किए गए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जहाँ ऋग्वैदिक काल में केवल निष्क नामक सोने का सिक्का चलता था, वहीं उत्तर वैदिक काल में शतामन निष्क के अलावा भी एक सोने का सिक्का था जो संचालित था, और कृष्णला जैसे चांदी के सिक्के भी थे जो उत्तर वैदिक काल में प्रचलित थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल और अर्थ उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था में क्या अंतर था। अगर हम धर्म की स्थिति पर बात करें तो धर्म की स्थिति में भी ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे गए। प्रारंभिक जो वैदिक काल था उनमें पृथ्वी, अग्नि, वायु, वर्षा, गरज आदि जैसे प्राकृतिक शक्तियों को अनेक देवताओं के रूप में देकर उनकी पूजा की जाती थी, अर्थात प्राकृतिक शक्तियों की पूजा का प्रचलन था। इंद्र गरज सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। यह प्रश्न आया है कि ऋग्वैदिक काल में किस देवता की सबसे महत्वपूर्ण थे, तो वो इंद्र देवता थे। अन्य जो देवता थे उनमें पृथ्वी, अग्नि, वरुण और वायु, ये सारे देवता महत्वपूर्ण थे। अग्नि और वरुण को वर्षा का देवता और वायु को हवा का देवता भी माना जाता था। महिला देवता में उषा और अदिति महत्वपूर्ण थी। मंदिर और मूर्ति पूजा के कोई अनुष्ठान नहीं थे। इस प्रकार हम कहते हैं कि जो ऋग वैदिक काल था वह आडंबर से मुक्त था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते आडंबरों की संख्या बढ़ जाती है। इंद्र और अग्नि अपना महत्व खोने लगते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में जो अग्नि और इंद्र देवता महत्वपूर्ण थे वो उत्तर वैदिक काल आते आते अपना महत्व खो देते हैं, और उनकी जगह पर प्रजापति यानी निर्माता और विष्णु रक्षक और रुद्र विनाशक मुख्य देवता के रूप में उभर कर सामने आते हैं। अनुष्ठान अधिक विस्तृत हो गए और प्रार्थनाओं का महत्व कम हो गया। अनुष्ठान अधिक विस्तृत हो गए थे और प्रार्थनाओं का महत्व जो ऋग्वैदिक काल में ज्यादा प्रचलित था अब कम हो गया, और अनुष्ठानों यज्ञों की संख्या उत्तर वैदिक काल में बढ़ गई थी। पुरोहित वंशानुगत हो गया और उन्होंने इन अनुष्ठानों और बलिदानों के लिए नियम बनाए। मतलब पुरोहित जो ब्राह्मण होते थे उन्होंने वो वंशानुगत रूप में अध्ययन अध्यापन और यज्ञों को संचालित करने का कार्य दिया गया था, और यही अनुष्ठानों के और बलिदानों के जो नियम होते थे उसे निर्धारित करते थे। इस अवधि के अंत तक पुरोहितवाद बौद्धधर्म जैन धर्म के खिलाफ एक मजबूत विरोध के रूप में उठाया गया था। इस अवधि के जो अंत में थे वो चूंकि व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में थी, उत्तर वैदिक काल में अनुष्ठानिक व्यवस्था और उच्चारण की व्यवस्था वेदों के बहुत कठिन कर दी गई थी, इसी के खिलाफ हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार से पुरोहितवाद और बौद्ध धर्म जैन धर्म जैसी संस्थाओं ने धर्मों ने अपना स्थान बना लिया था। क्यों? क्योंकि उत्तर वैदिक काल में जो धर्म था वह जटिल होता गया, जो सामान्य जनजीवन को संचालित करने में बाधा उत्पन्न कर रहा था। हमने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धर्म में परिवर्तन होते रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार के
जिस प्रकार से साहित्य ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में चलते रहे और किस प्रकार से उसमें आर्यणक उपनिषद आदि जो हमारे लिटरेचर थे वो व्याप्त थे और वो किस वेदों के अंतर्गत आते थे। इसमें एक बात और भी जान ले कि संस्था के द्वारा जो UPPSC का सेकेंड बैच संचालित किया जा रहा है वो 1 अप्रैल से संचालित हो रहा है, जिसके संदर्भ में कोई भी जानकारी आप स्क्रीन में दिए गए नंबर में SMS करके या कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं।